गुड मॉर्निंग क्लास सिक्स स्टूडेंट्स, हम लोग सिनबाद द सेलर पढ़ रहे थे और अभी तक आपने पढ़ा कि सिनबाद जो है उसका जब वो फर्स्ट वोएज करके आया, समुद्री यात्रा करके आया, तो उसने कहा कि मैं अब से नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो बार बार बच कर आया था। लेकिन थोड़े देर में वो बोर हो गया, उसने दूसरी यात्रा के लिए जहाज़ पर बैठ गया। तब वो एक आयरन में फंस जाता है, सभी उसके साथ ही उसको छोड़ के चले जाते हैं। वो देखता है कि वो एक वीरान टापू में फंस गया है जहाँ कोई इंसान नहीं है, बस पेड़ पौधे हैं और मीठा पानी का झरना है। अब आगे क्या होता है, नेक्स्ट है द रोके। क्वेश्चन आंसर मैं आपको लिख के भेज दूँगी, पर पहले हम स्टोरी पढ़ लेते हैं। Getting down from the tree, I quickly collected what had remained of for my requirements and leave as fast as I could and went towards it. वो पेड़ पर खड़ा होकर देखा कि कोई भी आबादी नहीं है, तब वो चुप और उसने दूर से कुछ चमकीला घाटी में चमकता हुआ कुछ देखा। वो जल्दी जल्दी उतरा और उसके पास जो भी था फल उसका सामान उसको कलेक्ट करता है और उस चमकीली घाटी की ओर जाता है। एज आई केम नियर इट इट अपीयर टू मी अ वाइट बॉल ऑफ जाइंट साइज एंड हाइट एंड व्हेन आई टच इट आई फाउंड इट वाज टू स्मूथ एंड सॉफ्ट। जब वो चमकीली चीज़ के पास गया तो देखा कि वो गोल सा सफ़ेद सा गोल चीज़ है और जब उसको छुआ तो बहुत चिकना था, उस पर वो चढ़ नहीं पा रहा था। इट वॉज इम्पॉसिबल टू क्लाइम, उसके लगा कि ये चट्टान है मैं चढ़ के देखता हूँ, पर वो इम्पॉसिबल था वहाँ पर क्लाइम करना। बिकॉज देयर एग्जिस्टेड नो फुट होल्ड, क्योंकि वहाँ पर कोई भी पैर रखने को जगह नहीं था, ना कि वो खुरदरा था ताकि वो थोड़ा सा चढ़ भी जाता, वो बहुत ही चिकना था, वो चढ़ता फिसल जा रहा था। आई वर्कड अराउंड अबाउट इट टू फाउंड सम ओपनिंग, वो उस चट्टान के आसपास में गया कि कोई द्वार हो या कुछ छेदा हो जिसमें से घुस जाए, पर उसने उसको नहीं मिला। आई हाउएवर काउंटेड दैट इट वॉज एट लीस्ट 50 स्टेप डाउन, पर उसने ये गिना कि उसका चारों ओर चलते चलते उसको 50 कदम इतना वो घेरा था। By this time the sun was about to set, और अब सूरज डूबने का समय आ गया। But quite rapidly it fell dark, और अभी अंधेरा भी हो रहा था। There I saw something like a huge black cloud came over me and I saw with wonder that it was a bird of extraordinary size which was hovering near. तभी देखा कि अभी तक सूरज डूबा भी नहीं है, पर अचानक से इतना अंधेरा हुआ तो ऊपर देखता है तो बहुत ही विशाल पंछी उसके ऊपर उड़ता हुआ आ रहा था। Then I remembered that often the sailors speak of a wonderful bird, underline wonderful, extraordinary, remembered something rapidly dark. तब वो उसको याद आया कि कुछ नाविक जो है एक रॉक आरोसी रॉक बर्ड के बारे में बताते थे कि जो बहुत ही अद्भुत है और बहुत ही बड़ा है, बहुत ही विशाल। एंड इट ऑकर टू मी दैट वाइट ऑब्जेक्ट विच हैज सो पजल्ड, तब उसके ध्यान में आया कि वो जो वाइट ऑब्जेक्ट था वो जरूर मस्ट बी इट्स एग, वो जरूर इस पंछी का अंडा है। यहाँ पर देखिए फोटो अंडे का, और वो विशाल पंछी और यहाँ पर वो बंधा है, आगे कैसे बंध गया ये हम पढ़ेंगे। श्योरली इनफ द बर्ड सेटल्ड अपॉन इट कवरिंग विथ इट्स विंग टू कीप इट वार्म एंड वुड हैच इट एंड आई वॉज सिटिंग क्लोज बिसाइड द एग इन सच अ पोजिशन दैट वन ऑफ द बर्ड्स फीट विच वॉज एज लार्ज एज द ट्रंक ऑफ अ ट्री वॉज जस्ट इन फ्रंट ऑफ मी। एडजस्टिंग माई सेल्फ आई सेटल सिक्योरली इन इट एंड इन द होप दैट रॉक व्हेन इट माइट टेक द फ्लाइट नेक्स्ट मॉर्निंग
would carry me with its from its deserted island. उसने कि जब वो पंछी नीचे बैठा वो छुप गया, ठीक है, उसने अपना पगड़ी निकाला और पंछी के पैर में ऐसे अपना कपड़ा बांधा, खुद को बांधा इस उम्मीद में कि कल जब ये उड़ेगा तो मुझे इस टापू से ले जाएगा बाहर। एंड दिस वॉज एग्जैक्टली व्हाट डिड हैपन, और यही हुआ जिस जैसा उसने सोचा था। एज सून एज द सन रोज इन द मॉर्निंग, जैसे ही सुबह सुबह सूरज उगा, द बर्ड वॉक फ्रॉम इट्स नेट्स इन टू द एयर कैरिंग मी अप एंड टिल आई कुड नो लॉन्गर सी द अर्थ एंड सडनली इट डिसेंड सो स्विफ्टली, अंडरलाइन डिसेंडेड सो स्विफ्टली अंडरलाइन, आई ऑलमोस्ट लॉस्ट अवेयरनेस। वो एकदम ऊँचा उठा जहाँ से उसको कुछ भी नहीं दिखाई दिया उतनी ऊँचाई से, और अचानक से वो एकदम से नीचे उतरने लगा इतनी तेज़ी से कि वो बेहोश हो गया। When I became aware, जब उसे होश आया, that the rock I had settled and I once again upon the solid ground, तब उसे होश आया तो उसे ज़मीन का एहसास हुआ कि वो अब ज़मीन पे खड़ा है, क्योंकि बर्ड जो है वो किसी चट्टान पे बैठा हुआ है। I quickly released myself from its force, वो उसने जल्दी से अपने पैरों को उस कपड़े से, उसका जो पैर में जो कपड़ा बांधा था उसको जल्दी से खोला अपना पगड़ी। एंड नॉट अ मोमेंट टू सून फॉर द बर्ड पाउंस्ड अपॉन अ ह्यूज स्नेक, और जैसे ही खोला उसने खोला वैसे ही बर्ड एक बड़ा ही विशाल सांप के ऊपर उसने बैठने झपट्टा मार दिया। एंड किल्ड इट, और उसको मार डाला स्नेक को, विथ अ फ्यू ब्लो फ्रॉम इस पावरफुल बीक, अपने चोंच से उसको उसने मार डाला, ठीक है। एंड व्हेन आई हैड लुक्ड अबाउट मी आई बिगेन टू डाउट इफ आई हैड मेड मिस्टेक बाय लीविंग द डिजर्टेड आइलैंड, ठीक है। वो मार करके सांप को उठाया उसने पंच अपने चोंच में, और वो रॉक पंछी फिर से उड़ गया। और जब उसने अपने आसपास देखा कि क्या है, तब उसे समझ में आया कि कहीं उसने उस आयरन से निकल के गलती तो नहीं की, इससे अच्छा वो जहाँ आया है इससे अच्छा तो वो उस आइलैंड में ही रहता, ठीक है। आखिर उस आइलैंड में क्या था, हम आगे पढ़ते हैं। द वैली ऑफ डायमंड, डायमंड्स की घाटी। द वैली इन विच आई फाउंड माई सेल्फ वॉज क्वाइट डीप एंड नैरो एंड वॉज सराउंडेड बाई हाई माउंटेन्स सो इरेक्ट एंड रॉकी, जो वैली जहाँ पर वो उठा जहाँ उसको बर्ड छोड़ के गया वो ऊँचे ऊँचे पहाड़ों से घिरा हुआ था, और उस पहाड़ को चढ़ने का कोई रास्ता नहीं था, ठीक है। एज आई वॉक्ड अबाउट इन सर्च ऑफ सम वे ऑफ स्केपिंग फ्रॉम अंडरलाइन एस्केपिंग फ्रॉम दिस पेल प्लेस आई ऑब्जर्व, मैंने देखा दैट द ग्राउंड वॉज कवर्ड विद डायमंड्स, मैंने देखा कि वो जो ग्राउंड में खाली डायमंड्स हीरे बिखरे हुए थे। सम ऑफ देम ह्यूज अनएक्सपेक्टेड साइज, कुछ कुछ इतना बड़ा था कि कभी उन्होंने उतना बड़ा साइज का नहीं देखा। दिस व्यू गेट मी ग्रेट प्लेजर, ये जो नज़ारा था मुझे बहुत अच्छा लगा। हीरे ही हीरे, कौन हीरा देख कर खुश नहीं होगा, हीरे देख के अमीर जो हो जाएंगे। बट माई ग्ली, पर उनका जो खुशी था वह सून एंडेड व्हेन आई सो न्यूमरस स्नेक्स व्हिच वेयर सो लॉन्ग एंड सो लार्ज दैट द स्मॉलेस्ट ऑफ देम कुड हैव स्वलोड, अंडरलाइन स्वलोड में निगलना, एन एलिफेंट वेरी इजली, पर जब उसने आगे का नज़ारा देखा उसके होश उड़ गए। इतने बड़े बड़े सांप, इतने यहाँ तक कि जो सबसे छोटा था उन सांपों में से वो आसानी से एक हाथी को निगल जाता, तो सोचिए बाकी सांप कितने बड़े होंगे। उसको देख करके उसके होश उड़ गए, वो डर गया, खुश हो रहा था अब डरने लगा। लकली फॉर मी दे अपीयर्ड अंडरलाइन टू हाइड इन द केव ड्यूरिंग टाइम डे टाइम,
पर उसके मजे उसके लक के लिए उसके मतलब उसका लक अच्छा था या कुछ कहें कि दिन के समय वो सारे सांप जा कर के केव में छुप जाते थे। एंड दे ओनली केम आउट द नाइट टाइम, और सिर्फ रात के समय ही निकलते थे बिकॉज ऑफ देयर एनिमी रॉक, क्योंकि रॉक जो था बर्ड उनका दुश्मन था, वो रात को नहीं निकलता, इसलिए वो सांप रात को निकल के अपना खाना खोजते और फिर वो सुबह होते ही वो अंदर सोने चले जाते अपने गुफाओं में। ऑल डे आई लॉन्ग आई मूव्ड अप एंड डाउन द वैली एंड व्हेन इट ग्रू डार्क आई वेंट इनटू अ केव हैविंग ब्लॉक्ड द एंट्रेंस विद अ स्टोन आई एट द रिमेनिंग फूड एंड ले डाउन टू स्लीप अंडरलाइन रिमेनिंग। वो दिन भर इधर उधर चलता रहा और रात को जैसे हुआ वो चुप दौड़ के एकदम शाम होने वाली थी एक गुफा में घुसा और उसका मुंह एक बड़े चट्टान से बंद कर दिया और जो भी उसके पास खाना बचा था उसको खाने लगा। बट ऑल थ्रू द नाइट द स्नेक क्रॉल्ड टू एंड फ्रो हिसिंग टेरिबली सो दैट आई कुड बेरली क्लोज माई आईज विथ फियर आई वॉज मच थैंकफुल वेन द मॉर्निंग अपियर्ड And when I guessed by the silence that the snakes have moved back into their place, I came quickly out of my cave and moved up and down the valley again, kicking the diamonds out my way, for I felt that they were fact worthless thing to a man in this situation. और जैसे ही सुबह वो रात भर सो नहीं पाया क्योंकि सांप की फुंकार ने उसे सोने नहीं दिया, भले वो गुफा के अंदर सुरक्षित था पर वो डर के मारे और सांपों की आवाज़ से वो सो नहीं पाया। और जैसे ही सुबह वो उसे चैन की सांस आई और वो बाहर निकला, इधर उधर देखने लगा कि किस तरह वो निकल जाए, उसके सामने इतने सारे हीरे जवाहरात थे और उसे अभी सब कुछ बेकार लग रहा था क्योंकि वो कम से यहाँ से जिंदा बच के जाना चाहता था, कोई भी हीरा उसको जीवित नहीं दे जिंदा नहीं मतलब यहाँ से बचने का रास्ता नहीं बता पा रहा था। उसने सोचा कि जब मैं जिंदा ही नहीं रहूँगा तो ये हीरा किस काम का, और इस हीरा को लात मारने लगा। एट लास्ट बींग वेरी टायर्ड आई सेट डाउन अपॉन अ रॉक और आखिर में वो थक गया और एक चट्टान के ऊपर जाकर के खड़ा हो गया, चट्टान के पास जाकर के बैठ गया और उसने बट आई हैड हार्डली क्लोज्ड माय आईज उसने बस अपनी आंखें बंद ही की थी। When I felt that something fell to the ground with a thud close beside me, उसे आवाज़ आई बहुत ही धड जैसे कुछ भारी भरकम चीज़ गिरने का, उसको आवाज़ आया, उसको देखने लगा। It was a huge piece of fresh meat, वो एक ताज़ा ताज़ा मांस का टुकड़ा था बहुत बड़ा। And as I looked at it few more pieces rolled over beside me, और जैसे मैंने उसको देखा कुछ और भी मांस के टुकड़े उसके आसपास घाटी में गिरने लगे। I had always thought the stories the sailor told about the famous valley of diamond were not true, अब मुझे कुछ याद आने लगा उस कहानी का जो कि मैं सोचा था कि सच नहीं है। But now I believed them, पर अब मुझे उस पर विश्वास हो गया। These merchants came to valley at the time when eagles have hatched their young swan. ये जो व्यापारी है जब ये रॉक बर्ड जो है जो विशालतम बर्ड से जब अपने बच्चों को अंडा से निकालने का टाइम होता है तब वो आते हैं। The merchant then threw great chunks of meat. तब वो बड़ा बड़ा मीट का टुकड़ा वैली में यानी कि घाटी में डाल देते हैं, गिरा देते हैं बहुत ज़ोर से। The clunks falling with so much force upon the diamonds, और वो जो मीट का टुकड़ा था वो इतना फोर्स के साथ इतना बल के साथ गिरता था डायमंड के ऊपर कि सारा डायमंड उस पर कुछ कुछ डायमंड चिपक जाता था, ठीक है। When the eagles pounced upon the meat, और जब वो ईगल मीट का टुकड़ा देखते उसको वो झपट्टा मार के उठा देते। And carried it out to the nest to feed their hungry birds. और वो उस birds वो meat को लेकर के टुकड़ा को birds को feed करने के लिए उनका जो अंडे सब बच्चा निकला उसको खाना खिलाने के लिए वो meat का टुकड़ा लेके जाते थे।
Then the merchants would scare away the parents' eagle with the shouts and outcries to secure, underline outcries, underline shouts. तब वो merchant जो है, underline करो, merchant मने व्यापारी, उनको scares means डरा करके, ढोल की आवाज़ से चिल्ला चिल्ला के उस पंछी को डरा करके भगा देते थे, और जो जो मीट में जो टुकड़ा था हीरा का उसको निकाल करके अपने पॉकेट में टोकरी में भरने लगते थे थैले में. Until this moment I had looked upon the valley as my deathbed, for there seemed no possibility of getting out of it alive. अभी तक उसे लगा कि वो उस वैली से नहीं निकल पाएगा जिंदा, पर अब उसको उम्मीद नज़र आने लगी. But now I took courage, अब उसने हिम्मत जुटाई, and began to search for the means of escaping from this palace. I began to pick up all the big diamonds I could and find and kept them carefully in my leather wallet. I tied it to my belt and I then closed a piece of meat which seemed more suitable for my purpose. With the help of my turban tied it very tightly to my back. Having done this, I laid upon my face and waited for coming of the eagle. तब उसने अपने आप को एक पीस, एक मीट का टुकड़ा में से वो बड़ा बड़ा कुछ उठाया, डायमंड अपना थैला में भरा, फिर उसने एक मीट का टुकड़ा में फंसाया कुछ नोकीली चीज़ और अपने आप को बांध दिया, ठीक है, और इंतज़ार करने लगा कि कब वो ईगल आएगा, रॉक आएगा, उस मीट के टुकड़े को उठा करके ले जाएगा. आई सून हर्ड द नॉइज़ ऑफ फ्लैपिंग ऑफ देयर विंग्स अबव मी, तभी उसे पंख का आवाज़ आया. एज एक्सपेक्टेड वन ऑफ देम सीज्ड अपॉन माई पीस ऑफ मीट एंड टुक फ्लाइट, और जैसा उसने सोचा था एक बर्ड्स ने उसका उस मीट का टुकड़ा उठाया और उसको मीट के टुकड़े के साथ उसको भी उठा लिया, और स्लोली टूवर्ड्स अपने नेस्ट की ओर उड़ने लगा. इन टू विच ही प्रेजेंटली ड्रॉप मी, और जहाँ उसने उसको गिरा दिया. लकली फॉर मी द मर्चेंट्स वेयर ऑन द वॉच एंड सेटिंग अप देयर यूजुअल साउट दे रश टू द नेस्ट कैरिंग अवे द ईगल, और वो बहुत भाग्यशाली था क्योंकि वो मर्चेंट्स वही थे और ड्रमरू बजा के जैसे ही वो खाने के लिए वो ईगल वो मांस का टुकड़ा की और पंख अपना चोंच बढ़ाया, उसको डरा करके उसको भगा दिया, इस तरह वो मांस भी नहीं खा पाया और बर्ड्स उड़ गया. देयर अमेजमेंट वॉज ग्रेट वैन दे सो मी एंड ऑल्सो देयर एंगर फॉर हैविंग रॉब्ड देम ऑफ देयर यूजुअल ट्रेजर, वो बहुत ही अचंभित थे और गुस्सा भी थे क्योंकि जिस मांस में हीरा आने वाला था उसमें वो आ गया बच करके. तो उसने कहा कि तुमने हमारा हीरा का एक बैच जो जिसमें हीरा आता उसको तुमने खो दिया. गुस्सा भी हो रहे थे और आश्चर्य भी थे कि एक इंसान कैसे आ गया. बट वैन आई सो द डायमंड टू देम ऑल ऑफ देम क्राउडेड मी, पर जब उसने अपना डायमंड दिखाया सब उसकी ओर गोल घुमाकर देखने लगे. वंडरिंग एट माय एडवेंचर, उसका मेरा जो एडवेंचर था, एंड अप्रूविंग द प्लान बाय विच आई स्केप द फ्रॉम द वैली, और जो मैंने प्लान बनाया उसके वो लोग बहुत तारीफ करने लगे. एट नाइट दे लेड मी टू देयर कैम्प, और रात में उन्होंने मुझे अपने कैंप जहाँ पर उन्होंने झोपड़ियाँ बनाई थी उस आइलैंड में वहाँ ले गए. I stayed with the merchant for few days and then they were sailing homewards. I gladly joined them. मैं merchant के साथ कुछ दिन रहा, हीरा जमा किया, और जब वो घर जाने लगे तो मैं भी खुशी खुशी उनके साथ जाने लगा. यहाँ उसका second voyage ख़त्म होता है. question answer मैं आपको लिख करके दे दूँगी, पर आप ये video देखें, okay? तभी आपको story समझ में आएगी, okay kids? Bye.